सत श्री अकाल दोस्तों, मैं तो आपका दोस्त संजीव सिंह रिहल वीजा इमीग्रेशन तो। दोस्तों अच्छ तीन वीजाज जो है कैनेडा दे वो ग्रांट होके आ चुके हैं एंड दो पासपोर्ट रिक्वेस्टा जी है वो होर आ चुकी है। सो सब तो पहला जिन्हों के वीजाज ग्रांट होके आए आ और पासपोर्ट रिक्वेस्ट आई हैं उन्होंने बहुत बहुत मुबारक। और काफ़ी लोग पूछते हैं कि सर वीजा लगने शुरू हो चुके हैं कि नहीं कैनेडा के। सो दोस्तों यस, वीजा लगने कैनेडा के शुरू हो चुके हुए। मैं गल इतने कर रहा सिर्फ टूरिस्ट वीजा की, नॉट किसी होर किसी भी वीजा की मैं गल नहीं कर रहा। हूँ जिन्हों के वीजा आए थे जिहड़ा आ वीजा आया सी मिस सुखविंदर कौर जी का वीजा आया आ ऑलमोस्ट टू टाइम रिफ्यूज सी कैनेडा तो। हूँ ये वीजा अगस्त अप्लाई किया गया दोस्तों और नवंबर के आया सीगा, लेकिन अगस्त तो पहला चार महीने इन्होंने अपनी बैंकिंग पूरी सैट की थी, जिदा मैं समझाई थी कि इस तरीके का ट्रांजैक्शन करो। लोग बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं बैंकिंग लैके, उन्होंने लगता कि सर साढ़े को तो 5 लाख पिया हो या 10 लाख पिया हो। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बैलेंस, मैं गल करता हूँ ट्रांजैक्शन की, कि ट्रांजैक्शन सही करो। सो इन्होंने उस चीज़ को अपनाया और अज वीजा आया। एक चीज़ दोस्तों मैं होर दस दवा कि ट्रैवल हिस्टरी जी सी मायने नहीं रखती इन्नी, बट स्टिल इन लोगों की ट्रैवल हिस्टरी सी एशियन कंट्री की ट्रैवल हिस्टरी सी इन्हों की एंड मैटर की आ। बट अदरवाइज अगर तुहाडे कोल फ्रैश पासपोर्ट हैगा, तुहाडी आईटीआर गुड है, तुहाडे कोल बैंक स्टेटमेंट अच्छी खासी बनी हुई आ, दैन यस यू कैन अपलाई फॉर द कैनेडा वीजा। अगर तुहाडे बायोमैट्रिक हो चुके तो यस तुसीं अज भी अपलाई कर सकते हो। सिर्फ प्रॉब्लम कितने आती है, प्रोसैसिंग टाइम की। प्रोसैसिंग टाइम है 3-4 महीने का, वो रिजल्ट आ सकता बट मतलब लेटर ही रिजल्ट आएगा, लाइक 3 मंथ्स के बाद आ जाएगा या 4 मंथ्स के बाद आ जाएगा। वो प्रोसैसिंग टाइम भी हो सकता जनवरी कटना शुरू हो जाए। जिन्होंने लोगों के बायोमैट्रिक्स नहीं हुए आ वो लोग अपने हुण फाइल जो सबमिट करवाना चाहते हैं करवा सकते हैं। जो बायोमैट्रिक्स है जनवरी हो जाएंगे, जो भी हो गए जनवरी या फरवरी, उस तो बाद जाके उनका वीजा ग्रांट हो सकता, अच्छे चांसिस है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, तुम अपलाई कदों करना चाहते हैं। सो दोस्तों अल्टीमेटली अगर तुम अपलाई करना चाहते हो कैनेडा टूरिस्ट वीजा, यस यू कैन अपलाई, बट पहला अपनी प्रोफाइल देखनी है, तुहाडा बैंक स्टेटमेंट, तुहाडी बैंक की ट्रांजैक्शन, क्लोजिंग बैलेंस, तुहाडी आईटीआर, तुहाडे प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स। इफ एवरीथिंग इज ओके दैन यस यू कैन अपलाई। ये नहीं कि तुहाडे बैंक च पैसे है नहीं, कोई उन्होंने कहना हाँ जी इकट्ठे फंड शो करो जी पैसे बहुत अपलाई कर देंगे, नो दैट्स रोंग। तो सोचो समझो विचारो और फिर अपलाई करो। थैंक यू सो मच दोस्तों इन्हें प्यार बख्शन ली, लव यू ऑल।